विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका जो जवाब है वो असंतोषजनक है, उन पे कार्रवाई किया जाए। कई बार हमने उनको बताया कि अब हम नियोजन इकाई के सचिव नहीं है, हमारे बस में नहीं है, अब हमने अपना कार्रवाई करने के लिए अपना रिपोर्ट माननीय प्रमुख महोदया को दे दिया है, अब आपको प्रमुख महोदया से बात करनी है। कोई भी बताया कि अगर उससे मिले रहते तो कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा ही नहीं करते, जबकि हमने स्पष्ट उन पर कार्रवाई करने के लिए नियोजन इकाई को हमने अनुशंसा किया है कि इनके द्वारा अनियमितता की गई है, इन पर कार्रवाई किया जाए। यादव का एक आरोप है जो कि HN का जो वहां पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो अभी तक का कार्रवाई उसको नहीं किया गया है, जो कि वीडियो से मिली भगत है, आखिर कहां तक ये सब सही है? अच्छा ये बताइए कि अगर हम उससे मिले रहते तो उस पर कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा करते? कोई भी बताए कि अगर उससे मिले रहते तो कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा ही नहीं करते, जबकि हमने स्पष्ट उन पर कार्रवाई करने के लिए नियोजन इकाई को हमने अनुशंसा किया है कि इनके द्वारा अनियमितता की गई है, इन पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा कौन से स्कूल पे ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटगेनवा कनुनिया, उसमें क्या ये अनुचित पाया गया? उसमें टोटल लगभग 710 बच्चों की हाजिरी बनाई गई थी और बच्चे उपस्थित थे उसमें 151। वीडियो साहब आपसे जरूरी सवाल सबसे पहला है कि 31 को एक पुतला दहन होता है, जो आपके पुतला का दहन किया जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि आपका पुतला दहन किया जा रहा है? 27 जुलाई को एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटगेनवा कन्या है, उसका जांच मेरे द्वारा किया गया था। जांच करने के बाद हमने पाया कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इसके संबंध में हमने पेपर में भी दिया था कि कुछ गड़बड़ी अनियमितता पाई गई है, इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हमने स्पष्टीकरण पूछा था। स्पष्टीकरण के जवाब में 13 अगस्त को प्रधानाध्यापक का स्पष्टीकरण का जवाब आया था और 22 तारीख को हमने माननीय प्रमुख महोदया को अपना रिपोर्ट दे दिया था। कहने का मतलब है कि हमने रिपोर्ट में माननीय प्रमुख महोदया को बताया है कि जो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका जो जवाब है वो असंतोषजनक है, उन पर कार्रवाई किया जाए। चूंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी वर्तमान में नियोजन इकाई के सचिव नहीं है, इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। शिक्षक पे कार्रवाई करने के लिए नियोजन इकाई नाम की एक संस्था होती है, एक समिति होती है, उसके अध्यक्ष माननीय प्रमुख महोदया और उसके सचिव हमारे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं। तो नियोजन इकाई की बैठक 2 सितंबर को रखी गई थी, जो किसी माननीय प्रमुख महोदया के द्वारा अपरिहार्य कारण से वो उसको टाल दी गई है। 31 तारीख को एक भूलेंद्र यादव करके आदमी हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो आपका हम लोग पुतला दहन करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हम नियोजन इकाई के सचिव हैं ही नहीं और हमने जब अपना प्रतिवेदन माननीय प्रमुख महोदया को दे दिया है, तब हम इसमें कहाँ से दोषी हैं? और मुझे लगता है कि मतलब ये एकदम अति वाली स्थिति है। हमने जब माननीय प्रमुख महोदया को बता दिया है कि ऐसा स्थिति है, हमने विद्यालय का जांच किया था, जांच में अनियमितता पाई गई है, उसके संबंधित हमने आपने जो है जांच कब किया? 27 जुलाई को? जी 27 जुलाई को जांच हो रही है, उसके बाद आप जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं महोदया को, प्रमुख महोदया को, वो किस डेट में सौंप रहे हैं? हमने 22 तारीख को सौंपा है। डिले हो रहा है? हाँ डिले हो रहा है। इतना डिले क्यों? इतना डिले इसलिए होता है कि बहुत सारा काम हम लोग को होता है। इस दरमियान हम लोग को जिला लोक शिकायत, अनुमंडल लोक शिकायत, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी आवेदन प्राप्त होता है, बहुत सारा काम होता है। इवन हम लोग को जिला लोक शिकायत से भी कोई परिवाद प्राप्त होता है तो हम लोग को 60 कार्य दिवस में उसको हम लोग को निष्पादित करना होता है। इनके एवज में हम लोग ने काफ़ी जल्दी, हम लोग ने 25 दिन में लगभग हम लोग ने कार्रवाई करके हमने नियोजन इकाई को दे दिया है। नियोजन इकाई के जो हमारे अध्यक्ष महोदया हैं वो अब उन्हीं का निर्णय होगा कि संबंधित दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो आप जो लोग आपका पुतला दहन किए, क्या आप उनको संतुष्ट अपनी जवाबों से नहीं कर पाए? ये कई बार हमने उनको बताया कि अब हम नियोजन इकाई के सचिव नहीं है, हमारे बस में नहीं है,
अब हमने अपना कार्रवाई करने के लिए अपना रिपोर्ट माननीय प्रमुख महोदया को दे दिया है, अब आपको प्रमुख महोदया से बात करनी है। कई बार समझाने के बाद भी उन लोग का मतलब ऐसा था कि वीडियो साहब क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने बताया, यहाँ पे ऑफिस में हमारे पास लोग आया था, हमने व्हाट्सएप पे भी उन लोगों को मैसेज किया कि हमने मतलब अपना काम कर दिया है, हमने कार्रवाई के लिए प्रमुख महोदया को अनुशंसा भेज दिया है। अब नई व्यवस्था में प्रखंड विकास पदाधिकारी नियोजन इकाई के सचिव नहीं है, वर्तमान में सचिव प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी है, इसलिए उन्हीं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और माननीय प्रमुख महोदया को इसमें कार्रवाई करना है। तो हमारे तरफ से रिपोर्ट चला गया। अब रिपोर्ट जाने के बाद अगर कोई कहे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं किए, कार्रवाई क्यों नहीं किए, तो ये तो समझ से परे है। तो आप FIR आपने कर दिया उनके ऊपर? हाँ बिल्कुल, बिना परमिशन का उन्होंने यहाँ पे बिना परमिशन प्रखंड में उन्होंने मतलब धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पे हुड़दंग कराया, और यहाँ पे मतलब इवन मतलब हमने कहा था कि अभी कोविड का भी दौर है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का परमिशन आपको नहीं मिला है, आपको नहीं करना है, बाकी कार्रवाई तो हो रही है। और उसके बाद जो बैठक है, बैठक में जब भी नियोजन इकाई की बैठक अब होगी उसमें कार्रवाई उसमें निश्चित है, कार्रवाई होगी उसमें। तो वो गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? गेट के पास, मतलब ये प्रखंड परिसर ही है टोटल हम लोग का, जितना आप लोग अगल बगल में देख रहे हैं टोटल प्रखंड मुख्यालय ही है, वहीं पे हमारे गेट के पास, गेट के आगे वहीं पे लोग किया है सब। कुछ बातचीत और भी आ रही थी कर्मचारियों के साथ, कुछ नुकझुक भी किया है उन लोगों ने, ऐसा भी कुछ है? हाँ, हमारे बड़ा बाबू और कुछ कर्मचारी लोग बता रहा था कि बड़ा तीखा लोग बहस कर रहा था, इवन फोन पर भी हमको लोग कह रहा था कि नहीं, हम मतलब बहुत सारा नरगल बात लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लिख रहा है, और उसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ भी होगा इस तरीके का अगर होगा और भी आगे तो हम लोग इसको देखेंगे क्या करना है। आपने FIR किस डेट में किया? हमने उसके बाद एक दिन बाद, मतलब एक सितंबर को आपने किया? हमने और आपने जो उसमें क्या लिखा, क्या है आपने? हमने एक सितंबर को उसमें नामजद अभियुक्त एक आदमी बनाया है, भुलंदर यादव। बाकी और लोग को क्यों नहीं? बाकी और लोग इसलिए नहीं बताया, उसमें हमने बताया। आपको इंटेंशन सिर्फ भुलंदर यादव से है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो फिर आपने और को क्यों नहीं नाम रखा? उस बाकी लोग को हम जानते नहीं है, जिस आदमी नाम पता कर सकते थे फोटो में, सारे नाम दिखाई दे रहे हैं उसमें। FIR में लिखा है कि लगभग मतलब 60-70-80 लोग थे उसमें, और इनके द्वारा कार्रवाई इस तरीके का घटना का अंजाम दिए गया है, जबरदस्ती ये लोग किए हैं। आगे आपको क्या आश्वासन मिला है थाना प्रभारी से? थाना प्रभारी से हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई किए जाए। कार्रवाई में क्या मतलब आप चाहते क्या है? कार्रवाई में जो नियम संगत हो हमारे हिसाब से चाहने से अगर क्या होगा। धन्यवाद। आप 27